साथियों, उत्तराखंड की देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका है। यहां का वीर नौजवान, वीर बेटियां भारतीय सुरक्षा बलों की आन बान और शान है। हमारी सरकार हर फौजी, हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। और हमारे धामी जी तो खुद ही फौजी के बेटे हैं। वो बता भी रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन इस फैसले ने फौजियों को कितनी बड़ी मदद की है। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड का लाभ आर्मी के साथ साथ नौसेना और वायुसेना के शहीदों को भी सुनिश्चित किया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने जेसीओ और अन्य रैंक की पदोन्नति को लेकर पिछले 4 दशकों से चला रहा मामला सुलझा दिया। पूर्व सैनिकों को पेंशन से जुड़ी दिक्कतें ना आए, इसके लिए भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब फौज के वीर जांबाजों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं, तो वो उतनी ही आसानी से दुश्मन से मुकाबला कर पाते हैं। ऐसी जगहों पर जहां मौसम हमेशा खराब रहता है, वहां भी आधुनिक उपकरणों से उन्हें बहुत मदद मिलती है। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है, वो भी बहुत बड़ी मदद हमारे फौजी साथियों की करने वाला है। और निश्चित तौर पर सरकार के इन सभी प्रयासों का लाभ उत्तराखंड को होगा, यहां के लोगों को भी होगा।